गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चौहान राजवंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, जो चौहान राजवंश है, इसकी कई शाखाएं भी थी और हम आपको इसकी अलग अलग शाखाओं के बारे में आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको ओनली चौहान राजवंश के बारे में ही वीडियो दिखाएंगे। तो चौहान कौन थे और इसके बारे में अलग अलग विद्वानों के क्या मत हैं और इनके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इन सभी बातों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिएगा चौहान कौन थे। चौहान वंश अथवा चहमान वंश एक भारतीय राजपूत राजवंश था और इसके शासकों ने वर्तमान राजस्थान, गुजरात और इसके जो निकटवर्ती क्षेत्र है इन पर 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। ठीक है, चौहानों द्वारा शासित जो क्षेत्र है उसको सपाद लक्ष कहा जाता है और सपाद लक्ष का जो मीनिंग है वो क्या है, 1.25 लाख ग्रामों का स्थान। चौहान चरणमान कबीले के सबसे प्रमुख शासक या जो परिवार थे और बाद में जो मध्ययुगीन जो किंवदंतियां हैं उनके अनुसार जो चौहान ये अग्निवंशीय राजपूतों के बीच वर्गीकृत किए गए थे। ठीक है, और कई कथाएं ऐसी भी हैं जिनके अनुसार चौहान वंश की उत्पत्ति ऋषियों के द्वारा आपो पर्वत पर किए गए यज्ञ के जो अग्निकुंड है उनमें से हुई थी। ठीक है, और जो चौहान राजवंश है इसके बारे में हमें साहित्यिक स्रोतों से, अभिलेखों से, इन सब से पता चलता है। तो जैसे कि साहित्यिक स्रोत जैसे कि पृथ्वीराज विजय, जिसके लेखक कौन थे, जैनक थे, और मतलब ये जो रचना है ये 1191-92 में की गई थी। और ये जो पृथ्वीराज विजय ये बताता है कि जो शाकंभरी देवी है उसकी कृपा से वासुदेव ने सांबर क्षेत्र को प्राप्त किया था। और आपको ये भी बता दें कि जो शाकंभरी देवी है ये चौहानों की कुल देवी थी। और अभिलेख और जो मतलब साहित्य ग्रंथ है इनके अलावा जो समकालीन लेखक थे उनसे भी हमें चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिएगा चौहान वंश कौन सा वंश था। तो देखिएगा चौहान वंश के साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि भाई जो राजपूतों की उत्पत्ति है ये कैसे हुई थी। तो राजपूतों की उत्पत्ति है वह माउंट आबू में, मतलब जो ऋषि वशिष्ठ है इसने एक यज्ञ करवाया था और इस यज्ञ कुंड से चार जातियां उत्पन्न हुई थी। कौन कौन सी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और इतिहास की दृष्टि से ये चारों जातियां ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं जो चालुक्य है उसको किस नाम से जाना जाता है, वो है आपका सोलंकी। ठीक है, तो देखिएगा पढ़ते हैं चौहान राजवंश के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिएगा चौहान राजवंश, तो चौहानों की उत्पत्ति ऋषि वशिष्ठ के यज्ञ कुंड से हुई थी और ऋषि वशिष्ठ ने यह यज्ञ कहाँ पे किया था, माउंट आबू में किया था और माउंट आबू सिरोही में है। ठीक है, और मतलब जो ये आपकी चार जातियां उत्पन्न हुई थी इन सब के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से चलता है। और इसके रचयिता कौन थे, जानक थे, जो कश्मीर के एक ब्राह्मण विद्वान थे। ठीक है, और जैसे कि आपका है वशिष्ठ, यहाँ पर हमने आपको लिख के भी बताया है कि जो वशिष्ठ है इसके कुंड से चार जातियों का उदय हुआ वो कौन कौन सी थी, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ठीक है, चौहान जो शब्द है इसका जो उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति है चौहान की, ये चहमान शब्द से हुई है और चहमान शब्द का पता भी हमें पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ से चलता है और पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, जानक। ठीक है, सांबर में वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी। ठीक है, तो जो ये आपका सांबर है ये कौन सा क्षेत्र था, ये अजमेर के पास का क्षेत्र था और जो मतलब सांबर है इसको सपाद लक्ष भी कहा जाता है और जो सपाद लक्ष है इसका जो पश्चिमी भाग है उसको जंगल प्रदेश भी कहा गया है। ठीक है,
और जो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जो अजमेर सॉरी जो राजस्थान का हृदय है कौन सा जिला है, वो अजमेर है। और सांप्रदायिक सद्भावना का जिला भी आपका अजमेर ही है, ठीक है। तो देखिएगा, सांबर में वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी थी, इसलिए सांबर के चौहान वंश का संस्थापक चौहानों का आदि पुरुष, चौहान वंश का मूल पुरुष वासुदेव चौहान कहलाता है। सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव ने ही करवाया था, और इस बात का पता हमें बिजोलिया शिलालेख से चलता है, ठीक है। और आपका जो ये बिजोलिया शिलालेख है, ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। और इसके रचयिता कौन थे? गुणभद्र, ठीक है। सांबर में शाकंभरी माता का मंदिर है, और शाकंभरी माता वो चौहानों की कुल देवी है, ठीक है। अब देखिएगा सांबर के चौहान, तो सांबर को सपाद लक्ष्मी कहा जाता है, और चौहानों की जो पहली राजधानी थी वह कहाँ थी? अहिछत्रपुर, ठीक है। जांगल प्रदेश तथा चौहानों की जो प्रारंभिक राजधानी है वह थी आपकी अहिछत्रपुर, और चौहानों का जो सबसे पहला शिलालेख वह हंसोट प्राप्त हुआ है। तो चौहानों का सबसे पहला शिलालेख हंसोट शिलालेख, ठीक है। अहिछत्रपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछ लेते हैं। तो जो आपका अहिछत्रपुर है, इसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, सॉरी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, वो आपका है नागौर। और जो नागौर है, इसके बारे में क्वेश्चन बनता है कि धातु नगरी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है, वो आपका है नागौर, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि वह चौहानों की जो कुल देवी है वह कौन सी थी? शाकंभरी माता। शाकंभरी माता के मंदिर हमें और भी कई स्थानों से मिले हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे एक तो आपको मैंने बताया अभी सांबर से मिला है, उदयपुर वाटी झुंझुनू से भी मिला है, और एक आपका है सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भी शाकंभरी माता के मंदिर मिले हैं, ठीक है। और एक यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जैसे कि सांबर है, जैसे कि कई बार पूछ लेते हैं कि तीर्थों की नानी अर्थात देव यानी तीर्थ कहाँ पर है? सांबर में। और तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर में, और तीर्थों का भांजा मंचपुर धौलपुर में, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं इसलिए मैं आपको एक्स्ट्रा में ये बता रही हूँ। और अब देखिएगा चौहानों के बारे में दिए गए मत, मतलब कि भाई जो चौहान राजवंश है इसके बारे में कोई एक तथ्य नहीं है। कई बोलते हैं कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई, कई बोलते हैं कि इसकी उत्पत्ति सूर्य से हुई, कई बोलते हैं कि इनकी उत्पत्ति चंद्र से हुई, चंद्रमा से हुई, और कई बोलते हैं कि ये विदेश से आए थे, और कई बोलते हैं कि ये ब्राह्मणों के वंशज थे, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, इसलिए हमने आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो विद्वान है उनके बारे में यहाँ पर बताया है। तो देखिएगा अग्निकुंड से चौहान राजवंश की उत्पत्ति हुई, ये कौन कहता है? पृथ्वीराज रासो कहता है, हमीर रासो कहता है, सूर्यमल मिश्रण कहता है, और आपका मोहनवत नैनसी कहता है। तो जो आपका ये है पृथ्वीराज रासो, इसके रचयिता थे चंदबरदाई। हमीर रासो के जो रचयिता है वो है जोधराज जी। जोधराज जी कहाँ के थे? बूंदी के थे। और मोहनोत नयन जी हैं ये राजस्थान के, सॉरी एक आपका है सूर्यमल मिश्रण, और जो सूर्यमल मिश्रण है इसको राजस्थान का राज्य कवि भी कहा गया है, और मोहनोत नयन जी को राजपुताने का अबुल फजल कहा गया है। और ये मतलब किसने कहा है? तो राजपुताने का अबुल फजल मोहनोत नयन जी कहा किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने मोहनोत नयन जी को राजपुताने का अबुल फजल कहा था, ठीक है। और आपका जो ये है दूसरा क्या है कि दूसरा मत ये है कि सूर्यवंशी राजवंश है वह सूर्यवं सॉरी जो आपका ये चौहानों का जो राजवंश है ये सूर्यवंशी था, ये किसने कहा है? पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में कहा गया है, हमीर महाकाव्य में कहा गया है, डॉक्टर गोविंद शंकर हीराचंद ओझा ने कहा है, और आपका पृथ्वीराज स्थल का जो बेतला अभिलेख है इसमें भी कहा गया है।
जो पृथ्वीराज विजय है इसका लेखक कौन था? जनक भट्ट, जो एक कश्मीरी कवि था। और हमीर महाकाव्य का नयन चंद्र सूरी। और फिर ये जो आपका अगला है ये है चंद्रवंशी। तो मतलब जो चौहान राजवंश है ये चंद्रवंशी था, ये कौन कहता है? 1173 ईस्वी का, 1173 ईस्वी का हांसी का शिलालेख, ठीक है। और ये जो हांसी का शिलालेख है ये कहाँ पे है? हरियाणा में है, ठीक है। और इसके बाद आता है कि जो चौहान राजवंश है ये विदेशी थे। तो विदेशी बताने वाले मतलब ये विदेश से आए हुए थे, तो ये कौन कहता है? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। और उसके बाद आता है आपका विलियम क्रुक और वी.ए. स्मिथ, ठीक है। फिर बोलते हैं कि भाई जो चौहान राजवंश है ये ब्राह्मण वंशीय था, तो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए थे। और वो कौन कहता है? आपका दशरथ शर्मा है, गोपीनाथ शर्मा है, कायम खारासू है। ये क्या कहते हैं कि चौहान राजवंश है ये है ब्राह्मण वंशीय था, ठीक है। सॉरी।